हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखिए हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में शिशुनाग वंश पढ़ रहे हैं। शिशुनाग वंश में शिशुनाग के बारे में पढ़ लिया है, जो कि शिशुनाग के बाद उसका पुत्र था, जो कि उसका पुत्र जिसका नाम था कालाशोक। कालाशोक ने 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक शासन किए। ठीक है, देखिए बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार आपको बोला गया है, देखिए बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक उसका उत्तराधिकारी बने थे। ठीक है, कालाशोक जो कि कालाशोक उसका पुत्र थे। कौन? कालाशोक उसका किसका? शिशुनाग के पुत्र थे। ठीक है, समझ आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ के, देखिए बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार शिशुनाग के पुत्र, शिशुनाग के पुत्र कालाशोक, ठीक है, कालाशोक उत्तराधिकारी बने थे। ठीक है, कालाशोक उत्तराधिकारी बने थे। ठीक है, उत्तराधिकारी बने थे। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार शिशुनाग के पुत्र कालाशोक, ठीक है, कालाशोक ने गद्दी पर बैठे थे, मगध मगध की गद्दी पर बैठे थे। देखिए कालाशोक, कालाशोक ने लगभग 28 वर्ष तक शासन किए। ठीक है, लगभग 28 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, समझा रहा है? कालाशोक ने लगभग 28 वर्ष तक शासन किए, और इतना समझ गए, इसको मिटकाते हैं और ये बताते हैं कि कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, समझ आ रहा है? द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, तो इसको मिटकाते हैं। लोग आपको बौद्ध बौद्ध धर्म, मतलब बौद्ध धर्म अपनाया अपनाया था। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाया था। सेकेंड सेकेंड बौद्ध संगीति, ठीक है, सेकेंड बौद्ध संगीति कराया कराया ठीक है, कराया सेकेंड बौद्ध संगीति कराया। कौन कौन कराया? कालाशोक। ठीक है, कब? ठीक है, सेकेंड बौद्ध संगीति कराया, कब कराया? तो आपको कब कराया बता सकते हैं? 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, और कहाँ पर पूछ रहता है, कहाँ पे कराया? ठीक है, जो कि कालाशोक थे, आपको सेकेंड बौद्ध संगीति कराए थे, जो कि कब कराए थे? 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सबा कामी कर रहे थे। ठीक है, अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? तो सबा कामी। ठीक है, इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सबा कामी कर रहे थे। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो कराए थे तो वैशाली में। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ आ रहा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए जब द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ, तो द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ? ठीक है, सेकेंड बौद्ध संगीति में क्या हुआ? ठीक है, देखिए क्या हुआ सेकेंड बौद्ध संगीति में, क्या हुआ? तो बौद्ध संगीति में धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म में हीन यान तथा महायान दो शाखा में बट गए थे। ठीक है, बौद्ध जो बौद्ध धर्म थे वो दो शाखा में बट गए थे। बौद्ध धर्म दो शाखा में बट गए थे, हीन यान। ठीक है, समझ आ रहा है? हीन यान एगो महायान, महायान समझ आ रहा है? एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए बौद्ध धर्म कौन? कालाशोक बौद्ध धर्म अपनाए थे, और सेकेंड बौद्ध संगीति कराया था। कब कराए थे? कि 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, और कहाँ पे कराए थे? वैशाली में। ठीक है, वैशाली में कराए थे, और इसका अध्यक्ष कौन थे? सबा कामी अध्यक्ष थे। क्या
क्यों कराया गया था सेकंड बहु संहिति, क्योंकि बौद्ध धर्म को बौद्ध को दो भागों में बांट दिया गया था, एगो एक होता था हीनयान, एगो एक होता है महायान। बौद्ध धर्म को दो भाग में बांट दिया गया था, एक होता है हीनयान, दूसरा होता है महायान। ठीक है, कोई दिक्कत मिटका देते हैं, इतना समझ गए। और देखिए इसमें क्या हुआ था कि देखिए काला चौकी हत्याकांड बोला जाता है, ठीक है, काला चौकी हत्याकांड, समझ आ रहा है, काला चौकी हत्या, काला चौकी हत्याकांड, काला चौकी हत्या, ठीक है, काला चौकी हत्या, महापदम, देखिए महापदम नंद द्वारा 366 ईसा पूर्व में चाकू मार से कर दिया गया था, किसका, जो कि काला शोक को, काला शोक हत्या, ठीक है, सॉरी यहाँ पर काला शोक रहे, काला शोक की हत्या, काला शोक है महापदम नंद, ठीक है, महापदम नंद ने 366 ईसा पूर्व में 366 ईसा पूर्व में चाकू मारकर कर दिया, ठीक है, कर दिया, चाकू मारकर कर दिया, समझ आ रहा है कोई दिक्कत। देखिए काला शोक की हत्या कौन किए थे, महापदम नंद, क्या चाकू मारकर हत्या कर दिए गए थे, और ठीक है, और देखिए और पूछ देगा कि शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग वंश के अंतिम राजा, शिशुनाग वंश के अंतिम राजा कौन थे, तो नंदीवर्धन, ठीक है, नंदीवर्धन, कोई दिक्कत, नंदीवर्धन, ठीक है, नंदीवर्धन इसका अंतिम शासक थे, ठीक है, नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, नंदीवर्धन के क्या एक सेनापति था, ठीक है, जिसका नाम था महापदम नंद था, जो कि महापदम नंद ने नंदीवर्धन की भी हत्या कर दिया गया, हत्या करके आपको नंद वंश का स्थापना किया। देखिए इसी के सेना था, सेना नंदीवर्धन, समझा रहा है, नंदीवर्धन का सेना था, क्या कौन था, महापदम नंद, ठीक है, महापदम नंद, ठीक है, नंदीवर्धन के सेना था महापदम नंद, जो कि महापदम नंद ने भी नंदीवर्धन के हत्या कर दिया, और हत्या करने के बाद में, ठीक है, हत्या करने के बाद में आपको नंद वंश का स्थापना किया, समझा रहा है, एक बार इसको रिपीट कर देते हैं समझ आ जाएगा। देखिए काला शोक की हत्या कौन किया था, महापदम नंद ही किया था, जो कि 366 ईसा पूर्व में, और इसके बाद में लास्ट राजा कौन बने थे, नंदीवर्धन राजा बने थे, तो उस समय उसका सेना कौन था, महापदम नंद, ठीक है, महापदम नंद ने नंदीवर्धन की हत्या कर दिया, हत्या करने के बाद एक नया वंश चालू किया जिसका नाम था नंद वंश, ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश, जो कि महापदम नंद वंश के संस्थापक है, ठीक है, कोई दिक्कत, तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।